अपने ब्राउजिंग एक्सपीरियंस को क्या आप नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हो? क्या आप अपने इंटरनेट यूजेज को बहुत ज्यादा आसान बनाना चाहते हो? तो चलो यार, इस वीडियो में हम देखते हैं 10 बेस्ट क्रोम एक्सटेंशंस को, जिसको यूज करके आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। सो हे कॉन्करर्स, आई एम शुभ दोलकिया एंड यू गाइस आर वाचिंग कॉन्कर वर्ल्ड चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग लाइक्स का टारगेट रख रहे हैं 100 लाइक्स, एंड इवेंचुअली यार मुझे पता है कि हर एक कॉन्करर जो है वो इस वीडियो में लाइक जरूर से करके जाएगा। 100 लाइक्स का टारगेट है, 100 लाइक जरूर से पूरी करो, और आपको जो भी वीडियो चाहिए होगा वो नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। तो चलिए भाइयों और बहनों, शुरू करते हैं 10th बेस्ट क्रोम एक्सटेंशन की ओर चलते हैं, जिसका नाम है डार्क रीडर। डार्क रीडर होता क्या है भाई? तो एक्चुअल में गाइस, बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी होती है जहां पे यार आपको डार्क मोड नहीं मिलता है, तो यार ये जो डार्क रीडर है वो उसको डार्क वेबसाइट मतलब कि डार्क मोड में कन्वर्ट करके देगा आपके लिए। इवेंचुअली आपको उसको टर्न ऑन करना पड़ेगा उस वेबसाइट पे जाकर, तो वो ये चीज कर देगा। अगर कोई वेबसाइट ऐसी है जो कि आपको लाइट मोड में पढ़नी है, बट उसके लिए आपको पूरा डार्क थीम को बंद नहीं करना है, तो उसके लिए भी आप इसी एक्सटेंशन को यूज कर पाओगे। आप इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे गाइस, तो आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा डार्क टू लाइट का, तो आप लाइट मोड में जा सकते हो, और वो लाइट मोड ऐसा करेगा कि पूरा लाइट मोड नहीं हो जाएगा, पूरा व्हाइट बैकग्राउंड नहीं आ जाएगा, वो एक रीडेबल लाइट मोड में चलाएगा, तो आपके लिए आपकी आईज के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ये बहुत ही क्लासिक है और ये एक्सटेंशन में बहुत ज्यादा यूज करता हूं। अब इसके बाद का क्रोम एक्सटेंशन जो है वो है कीपा। आपके साथ ऐसा होता ही होगा कि कोई चीज आप Amazon से खरीदते हो, तो आपने जिस दिन खरीदा उसके बाद के दिन ही उसकी प्राइस गिर गई, कम हो गई, राइट? तो ये चीज हम सभी के साथ होती है। तो एक्चुअल में ये कीपा को आप जैसे ही ऐड कर लोगे क्रोम में, उसके बाद आप कोई भी प्रोडक्ट को विजिट करोगे Amazon के अंदर, तो नीचे आपको एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट दिखाया जाएगा, जहां पे आपको दिखाएंगे कि इसकी प्राइस पहले क्या थी, उसके बाद क्या हुई, मतलब कि यार सेल में उसकी प्राइस जो है वो कितनी गिरी थी और उसके बाद फिर से कितनी ऊपर आई है। तो आपको पता चल जाएगा कि वो फिर से अगर सेल नजदीक में है तो उसकी प्राइस कितनी नीचे जा सकती है, तो मैं आज खरीदूं या फिर उस दिन खरीदूं, राइट? उसी के साथ साथ गाइस, आपको वहां पे एक नोटिफिकेशन का भी एक टैब मिल रहा है जो कि है प्राइस ट्रैकर, तो आप उसके ऊपर जा सकते हो और आप उसमें सेट कर सकते हो कि इसकी प्राइस मतलब कि इस प्रोडक्ट की प्राइस ये जगह पर आई, मतलब कि अगर ये 1500 की कोई भी एक TWS है वो अगर 1200 पे आता है तो मुझे पहले पता चल जाना चाहिए। तो यार वो आप सेट कर सकते हो एक साल के अंदर, या फिर आप टाइम ड्यूरेशन सेट कर दो तो आपका काम खत्म। कभी भी उसकी प्राइस वो होगी तो आपको मेल भी आ जाएगा और आपको यहाँ पे भी एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इवेंचुअली जरा मुझे इस गोल में से बाहर निकालो ना भाई, बाहर निकालो। हाँ, अब यार ये TWS सुन के मुझे याद आया कि आपने TWS वाला वीडियो तो देखा नहीं होगा हमारा। इवन आप मुझे कभी भी हमारी पोल हम डालते हैं कभी भी कम्युनिटी पोस्ट में, तो आप उसमें भी नहीं दिखते हो। तो जाओ यार हमारे वीडियोस देखो, इवेंचुअली साथ साथ में पोल में रिप्लाई करो, तो हमें भी थोड़ा पता चलेगा कि हमें हमारे वीडियोस में क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए भाई। ओके, तो जल्दी से वो करके आओ और फिर वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। तो यार अब चलते हैं अपने 8th बेस्ट क्रोम एक्सटेंशन के ऊपर, जिसका नाम है विकीवेंड। तो यार विकी से ही आपको पता चल गया होगा, विकिपीडिया। अब यार विकिपीडिया में आप कोई भी चीज पढ़ने जाते हो ना, तो उसमें सभी चीजें ऐसा एकदम भरी हुई होती है, मतलब कुछ समझ में नहीं आता है कहाँ पे मेरी इंफॉर्मेशन होगी। ओके, तो ये विकीवेंड को आप ऐड कर सकते हो अपने क्रोम में, या फिर आप जो भी ब्राउजर यूज करते हो उसमें, और उसके बाद ये पूरा आपको फॉर्मेट करके देगा। उससे क्या होगा, बेसिकली उसके बाद आपका विकिपीडिया जो है वो एकदम फॉर्मेटेड आपके सामने हर बार आएगा, तो उससे आपको बहुत ही अच्छे से सभी चीजें मिल जाएगी वहां पे। अब यार हम लोग विकिपीडिया जब भी यूज करते हैं तो हमें सभी चीजें रीड करने को पसंद नहीं आता है, राइट? पढ़ तो लिया हमने, उसका फॉर्मेटिंग तो कर लिया, बट इवेंचुअली हमें उसको पढ़ना तो अभी भी पसंद नहीं है, है ना? तो हम इसके लिए एक एक्सटेंशन डाल सकते हैं जो कि रीड अलाउड। रीड अलाउड मतलब कि रीड लाउडली। तो यार ये read aloud जो extension है वो actual में आपके लिए बहुत useful होगा। अगर आपको पढ़ना पसंद नहीं है, आप कोई भी website पे जाओ, उस जगह पे जो भी चीजें लिखी है, तो आप directly read aloud वाला जो आपका extension होगा उस पे क्लिक करो, आपको जिस भी gender के आवाज में सुनना है उसकी आवाज में सुन लो, और उसकी स्पीड वीड बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। अब एक और चीज है इसके साथ, मतलब अगर आपका बॉयफ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड नहीं है तो एक लव लेटर लिखो गूगल डॉक्स में जाकर, और फिर इसे पढ़वाओ दूसरी जेंडर से, तो आपको लगेगा कि कोई है कि नहीं। बहुत बार करोगे ये तुम, मुझे पता है। अब चलते हैं यार अपने नेक्स्ट बेस्ट एक्सटेंशन के ऊपर। मैं कल ही गाइस एक वेबसाइट विजिट कर रहा था, और उस पे मुझे एक ऑप्शन आया, मतलब कि एक पॉपअप आ गया, और उसकी
सिलेक्शन के बिना मुझे आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे थे। उसमें लिखा था एक्सेप्ट ऑल कुकीज और डिक्लाइन ऑल कुकीज, और मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था तब तक वो आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे। ये क्या होता है? तो यार इसको अगर आपको बाईपास कर देना है तो इसके लिए एक बहुत अच्छा एक्सटेंशन है ये। मोस्टली बहुत सारी वेबसाइट में हमें ये कुकीज बहुत बीच में आती है ना, खाने को नहीं मिलती है बट ये बीच में आ जाती है। तो ये कुकीज निकालने के लिए एक्सटेंशन का नाम है आई डोंट केयर अबाउट कुकीज। अब ये आई डोंट केयर अबाउट कुकीज यही तो हमने सोचा था, है ना। तो इसको आप ऐड कर लो और उसके बाद आप कोई भी वेबसाइट को विजिट करो, आपको कभी भी कोई भी कुकीज बीच में नहीं आएगी। अब यार इसी के साथ बहुत सारी बार मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं कोई भी जगह पे स्ट्रीम कर रहा हूं या फिर कोई भी जगह पे मैं कुछ स्क्रॉल कर रहा हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि यार ये चीज को मुझे स्क्रीन रिकॉर्ड करना है या फिर इसको मुझे स्क्रीन रिकॉर्ड और साथ में वेब कैम को भी स्क्रीन रिकॉर्ड करना है। उससे क्या होगा कि पूरी मैं ये जो चीज सीख रहा हूं उसको मैं पूरा रिकॉर्ड करके अपने पास रख सकूं। बट यार लैपटॉप में इतने सारे सॉफ्टवेयर भरे पड़े हैं ना कि कुछ भी इंस्टॉल करना अब मुश्किल है मेरे लिए। तो यार एक बहुत ही अच्छा एक्सटेंशन है इस चीज के लिए, उसका नाम है स्क्रीनकास्टिफाई। इसको आप अपने क्रोम में ऐड कर लो, अपने गूगल से साइन इन कर लो, गूगल अकाउंट से साइन इन कर लो और उसके बाद आप 5 मिनट के अनलिमिटेड वीडियोस उसमें शूट कर पाओगे, मतलब कि यार उसमें रिकॉर्ड कर पाओगे वेबकैम के साथ, वेबकैम के बिना, और अपनी स्क्रीन को भी आप साथ में रिकॉर्ड कर पाओगे। और उससे होगा क्या, तो उससे यार वो जो रिकॉर्डिंग होगा वो आप अपने कंप्यूटर में उसके बाद डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड नहीं कर ना तो वो आपकी गूगल ड्राइव में तो पड़ा ही रहेगा। अब यार हमारा नेक्स्ट एक्सटेंशन है एनहांसर फॉर यूट्यूब। यार ये नेक्स्ट लेवल चीज है, मतलब मैं बहुत टाइम से इसको यूज कर रहा हूं। मेरे कॉलेज के दोस्त ने मुझे बताया था इस चीज के बारे में, जिसका नाम है विराज, गूगल में जॉब मिलने वाली है उसको, ओके। बट यार ये एनहांसर फॉर यूट्यूब है क्या वैसे? एनहांसर फॉर यूट्यूब एक बहुत क्लासी एक्सटेंशन है। आप कभी भी यार यूट्यूब को ओपन करोगे, बहुत सारे वीडियोस में आपको ऐसा लगता है कि यार इसमें वॉल्यूम बहुत कम है या इसको मुझे फुल स्क्रीन करके देखना है या फिर मुझे इसको हाफ स्क्रीन में ही फुल स्क्रीन करके देखना है, ऐसा कुछ भी आपको लगता है, तो ये एनहांसर फॉर यूट्यूब आपको जरूर से काम आएगा। आप कभी भी कोई भी वीडियो ओपन करोगे तो नीचे आपको एक छोटा सा टैब दिखेगा जहां पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे होंगे, जिसमें से एक होगा सिनेमा मोड, एक होगा वॉल्यूम बूस्टर। वॉल्यूम बूस्टर के ऊपर आप क्लिक करोगे तो उसके बाद जो एक्चुअल में वॉइस थी उससे आपको बूस्ट होके बहुत ज्यादा बड़ी वॉइस मिलेगी। तो कई बार वीडियोस में ऐसा होता है कि बहुत कम वॉइस होती है, तो ये यूज कर आप एक बहुत अच्छी फीलिंग ले पाते हो। तो इसको आप 100% यूज कर सकते हो, इसमें बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस हैं, तो उसको आप एक्सप्लोर करो, यूज जरूर से करना। अब चलते हैं गाइस नेक्स्ट एक्सटेंशन के ऊपर, जिसका नाम है ब्राउजेक। ब्राउजेक जो है वो एक VPN है। इवेंचुअली बहुत सारी बार ऐसा होता है कि VPN आपको यूज करना होता है बट प्रीमियम ही लेना पड़ता है ना। इस VPN को ले सकते हो फ्री में एंड इवेंचुअली इसको आपको कहीं पे डाउनलोड नहीं करना है, ये भी एक एक्सटेंशन है। इसको आपको डायरेक्टली अपने ब्राउजर में ऐड कर देना है। इसमें आपको बहुत सारे सर्वर्स एज इन सिंगापुर का सर्वर, UK का सर्वर, साथ साथ में USA का सर्वर, ये सभी सर्वर्स जो है वो आपको फ्री मिलते हैं, तो आप इसको इजीली यूज कर पाओगे। इसी के साथ साथ नेक्स्ट वन इज साउंड बूस्टर। साउंड बूस्टर ये नाम से ही पता चल जाएगा कि साउंड बूस्टर क्या करता है, साउंड बूस्ट करता है। बट हमने जो पहले देखा था एनहांसर फॉर यूट्यूब, उसमें से मेरा फेवरेट था वॉल्यूम बूस्टर। ये वॉल्यूम बूस्टर एज एन साउंड बूस्टर है, वो हर एक वेबसाइट में चलेगा। मतलब अगर आप कोई भी OTT प्लेटफॉर्म में हो, कोई अलग वेबसाइट पे आप कोई भी वीडियो देख रहे हो, उन सभी वेबसाइट, उन सभी OTT प्लेटफॉर्म में आप वॉल्यूम 100% से 400% तक बूस्ट कर पाओगे। तो ये बहुत ही अच्छा एक्सटेंशन है, इसको आप 100% अपने दिमाग में रख सकते हो। दिमाग में क्यों रखना है, क्रोम में रख दो, ओके। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं ब्लैक बॉक्स एक्सटेंशन, जो कि हमारा रहने वाला है लास्ट एक्सटेंशन। अब यार ये जो एक्सटेंशन है इसको यूज कैसे कर सकते हैं, तो यार बहुत सारी बार मैं कोई भी वेबसाइट पे वीडियो देख रहा हूं, मतलब एजुकेशनल वेबसाइट पे वीडियो देख रहा हूं या फिर यूट्यूब में कोई भी एक एजुकेशनल वीडियो देख रहा हूं, तो बहुत सारी बार ऐसा होता है कि मैं नोट्स बना रहा हूं टाइप करके, तो मुझे जो चीज वहां पे लिखी हुई है वही चीज मुझे यहां पे फिर से लिखनी पड़ती है। तो एक्चुअल में गाइज ये चीज होना नहीं चाहिए। मैं प्रोग्रामिंग जब सीखता हूं, प्रोग्रामिंग करता हूं, तो वो चीज मुझे वहां से कॉपी और पेस्ट करना पड़ता है। बट यहाँ पे यार आपके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन आ गया है, ब्लैक बॉक्स एक्सटेंशन। इसको आप डालकर उसके बाद आपको डायरेक्टली उसका एक फोटो ले लेना है और ये चीज आप इजीली कॉपी पेस्ट कर पाओगे लिखे बिना, ओके। तो ये बहुत ही क्लासी चीज है, इसको आप 110% यूज कर पाओगे और ये सभी एक्सटेंशन फ्री है, ओके। इसमें कोई भी पेमेंट नहीं करना है, बट जरा सा नजदीक आओ, जरा सा आओ, ओके। अब ये जो चीज है वो कोई वेबसाइट्स ऐसी भी होती है जहां पे आप एग्जाम देते हो, राइट,
और उस जगह पे आप जब एग्जाम देते हो ना, तो वहां पे हम कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते क्वेश्चंस को, बट इसको अगर यूज करोगे तो कॉपी पेस्ट हो जाएंगे। ओके, तो इसको दिमाग में रखो। तो अगर ये चीज आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, सभी एक्सटेंशंस पसंद आए तो वीडियो को जरूर से लाइक करो, और अब मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, सी यू गाइस लेटर।